डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफेंस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। डिफेंस क्वेश्चन क्या होती है और इसकी डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होता है। डिफरेंशियल क्वेश्चन, सबसे पहले हमें डिफरेंस क्वेश्चन के लिए सबसे पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या होती है। क्वेश्चन का पता होगा तो हम डिफेंस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकेंगे। डिफेंसिव क्वेश्चन से क्वेश्चन में जब आते हैं तो क्वेश्चन दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको बताना है। एक होता है कॉन्स्टेंट्स और एक वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल्स जो हैं ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं जो वेरिएट करती हैं। इसलिए हम जो अल्फाबेट्स में यूज़ करते हैं मोस्टली वो एक्स, वाई, जेड और टी, इन अल्फाबेट्स को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के तौर पे। और कॉन्स्टेंट जो कि फिक्स वैल्यूज होती हैं विच डज नॉट चेंज, द क्वांटिटी डज नॉट चेंज, उसे हम ए बी सी डी तमाम अल्फाबेट यूज़ करते हैं एक्सेप्ट एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड हम यूज़ करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स के लिए। कॉन्स्टेंट्स जितने भी आपके काउंटिंग के जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये भी तमाम जो यूज़ किए जाते हैं ये कॉन्स्टेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। अब इक्वेशन के वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट का पता होना चाहिए, फिर एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होती है? जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन वेरिएबल कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी, दिस इज एन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है कॉन्स्टेंट मिल के आए हुए हैं, जिनमें कॉम्बिनेशन हो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का, दैट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वालिटी हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इक्वालिटी मीन दो क्वांटिटीज इक्वल हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक शीशा है, एक शीशा है, मैं एक बॉक्स रखता हूँ यहाँ पर एक्स के जी का, और यहाँ पर मैं रखता हूँ 5 kg का एक बॉक्स रखता हूँ, वो बैलेंस रहता है। इट मीन्स कि दो टू क्वांटिटीज आर इक्वल, दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, ये 5 इक्वल टू एक्स है। दिस इज एन इक्वेशन व्हेन टू क्वांटिटीज आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट। अब ये क्वेश्चन तो ये अलजेब्रिक क्वेश्चन होती है। अलजेब्रिक क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल पर 1 हो उसे हम लीनियर क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें 2 हो उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें 3 हो उसे हम क्यूबिक बोलते हैं। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक ये अलजेब्रिक क्वेश्चन का नहीं बल्कि डिफरेंशियल क्वेश्चन का है, तो हम डिफरेंशियल क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल क्वेश्चन के लिए भी हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता होना ज़रूरी होना चाहिए हमें। हम सबसे पहले देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। हम रखते हैं y इज इक्वल टू 2 + 3x, ए के क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं y की एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहूँ, मैं नहीं निकाल सकता जब तक मैं x को वैल्यूज नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ पे x 1 पुट करता हूँ, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आएगी 2 + 3 × 1 विच इज 5। अगर मैं x पुट करता हूँ 2, x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आएगी 2 + 3 × 2 विच इज 8। तो y डिपेंड करता है किस पर? x पर। y डिपेंड करता है x पर। y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और d ओवर dx इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब ऐसी क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एंड डिफरेंशियल क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल क्वेश्चन, राइट। ऐसी क्वेश्चन, इक्वेशन के साइन ऑफ इक्वालिटी को होना बहुत जरूरी है, दो क्वांटिटीज इक्वल होना जरूरी है। ऐसी क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल क्वेश्चन। यही डेफिनेशन को हम लिखते हैं जो कि यूज की जाती है एन इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व कॉमा इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल क्वेश्चन।
फॉर एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन की एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी क्वेश्चन जिसमें डिफरेंशियल क्वेश्चन डिपेंडेंट इन्वॉल्व हो उसे हम डिफरेंशियल क्वेश्चन कहते हैं। अब डिफरेंशियल क्वेश्चन के बाद ये डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊँ कि कितने किस्म की होती है। डिफरेंशियल क्वेश्चन दो किस्म की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये दो किस्म की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम ओ डी ई बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम पी डी ई बोलते हैं। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, एन इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव शामिल है, इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी डिफरेंशियल क्वेश्चन जिसे पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, एन इक्वेशन इन विच पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं इसकी और वो है कर्ली यू और कर्ली एक्स प्लस कर्ली यू ओवर कर्ली वाई इज इक्वल टू जीरो। या आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ये पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन कराएगी और ये डेरिवेटिव जो है इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन कराएगी। इसलिए दो देयर आर टू डिफरेंट टॉपिक्स इन डिफरेंशियल क्वेश्चन, वन इज ओडी अदर इज पीडी। तो हमने जो स्टार्ट करना है जो हमारा कोर्स है वो ओडीई का है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं और इसके बारे में आगे बताते हैं कि ओडीई में आगे डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, ये सारा डिस्कस करते हैं।